बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी तक हम दो मैक्रो मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन्स। हमारा आज का लेक्चर लिपिड्स के बारे में है। व्हाट आर लिपिड्स, यू डिफाइन करेंगे। हेट्रोजीनियस आर मॉलिक्यूल आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑरिजिन। Which are insoluble in water but soluble in non-polar organic solvents. Like benzene, CCl4, ether, etc. तो lipids की definition solubility के basis पे की जाती है। लिपिड्स हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें एनिमल्स और प्लांट से हासिल होते हैं। पानी में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। लिपिड्स की हमारे लिए इमेंस इंपॉर्टेंस है, बेहद ज्यादा अहमियत। लिपिड्स भी हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमें मौसम की शिद्दत से बचाते हैं। ये जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर होती है जिसे सब क्यूटेनियस लेयर कहते हैं। ये लेयर फेट की बनी होती है और ये सब क्यूटेनियस लेयर हमें मौसम की शिद्दत से बचाती है। लिपिड्स मेटाबॉलिक एनर्जी को स्टोर करती हैं और लिपिड्स के हमारे बॉडी के अंदर और भी ढेर सारे फंक्शंस हैं। लिपिड्स सपोनिफाइबल हो सकते हैं, नॉन सपोनिफाइबल हो सकते हैं। सपोनिफाइबल लिपिड ऐसा लिपिड जो सोप में चेंज हो सके, और नॉन सपोनिफाइबल लिपिड उन लिपिड्स को कहते हैं जो सोप में चेंज ना हो सके। सपोनिफाइबल लिपिड्स हैं फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, और नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स हैं कोलेस्ट्रॉल, टर्पीन्स, एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स,
on the basis of structure, of composition. On the basis of structure or composition, lipids are divided into three. एक को कहते हैं सिंपल लिपिड, दूसरे को कहते हैं कंजुगेटेड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जबकि तीसरे किस्म को कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। स्ट्रक्चर या कंपोजिशन के बेसिस पे लिपिड्स की तीन किस्में हैं, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स। अब एक एक का डिटेल। सिंपल लिपिड्स उन लिपिड्स को कहते हैं जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें फैटी एसिड मिले और अल्कोहल मिले। एक ऐसा लिपिड जिसे अगर हम हाइड्रोलाइज करें, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करें एसिड या बेस की मौजूदगी में, और हमें फैटी एसिड मिले, इन फैटी एसिड में कार्बन एटम की तादाद 12 to 18 होती है, कार्बन एटम्स पर माने और साथ में अल्कोहल। तो जो लिपिड हमें हाइड्रोलिसिस पे दो प्रोडक्ट दे दे, एक है फैटी एसिड और दूसरा है अल्कोहल, ये पर्टिकुलर लिपिड कहलाएगा सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, जबकि दूसरे को कहते हैं वेट्स। ट्राइग्लिसराइड को आम जुबान में हम फैट्स और ऑयल भी कहते हैं। ऐसे डिफाइन किए जाते What are triglycerides? Ester of fatty acid and glycerol. Glycerol ka matlab hai trihydric alcohol. सिंपल लिपिड्स की दो किस्में, एक किस्म को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिसे आम जुबान में हम फैट्स और ऑयल भी कहते हैं, दूसरी किस्म है वेट्स। ट्राइग्लिसराइड या फैट्स एंड ऑयल किसे कहते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। देखो अगर मैं ग्लाइसरोल कंसिडर करूं, ग्लाइसरोल का मतलब है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसके साथ मैं फैटी एसिड,
रिएक्ट कर। ये एक फैटी एसिड, 18 कार्बन एटम वाला एक फैटी एसिड। ये एक फैटी एसिड, ये एक और फैटी एसिड, ये एक और फैटी एसिड। अब इन्हें मैं कंडेंस करवा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, इन्हें कंडेंस करवा रहा हूं, यानी इनको आपस में मिला रहा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करवा रहा। तो एस्ट्रिफिकेशन के दौरान अल्कोहल का एच इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के साथ में, ये दोनों आप आपस में मिलाए, ये आप आपस में मिलाए, ये आप आपस में मिलाए। इनके मिलने से वाटर के तीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे और जो कुछ बाकी बचा उसे आप आपस में CH2O, CHO, CH2O। यहां से हमें ये वाला हिस्सा मिला। अब ये रिमेनिंग पोर्शन आप इसके साथ मिलाएं, नतीजे में एस्टर बनेगा। इस खास एस्टर को कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड, या आम जुबान में ये कहलाता है फैट्स या ऑयल। हाँ, फैट्स या ऑयल में क्या फर्क है, तो दोनों में फर्क समझे, दोनों हैं ये ट्राइग्लाइसराइड, बोथ। अगर ये फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो, फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो, तो ये ट्राइग्लाइसराइड कहलाएगा ऑयल और इसका फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। अगर ये फैटी एसिड सैचुरेटेड हो, तो ये कहलाएगा, ये ट्राइग्लाइसराइड कहलाएगा फैट्स और इसका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड। फैटी एसिड अगर अनसैचुरेटेड है तो ये ट्राइग्लाइसराइड ऑयल कहलाएगा और इसका फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। अगर ये फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो ये ट्राइग्लाइसराइड फैट्स कहलाएगा और इसका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड। अगर ट्राइग्लाइसराइड में मौजूद फैटी एसिड्स एक जैसे हो, एक जैसे, जैसे ये स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये एक जैसे हैं, यानी 18 कार्बन एटम सब में, सेम फैटी एसिड्स,
तीनों फैटी एसिड्स एक जैसे हो तो जो ट्राइग्लाइसराइड है ये, इसे कहोगे सिंपल ट्राइग्लाइसराइड। अगर ये डिफरेंट हो, यानी फर्ज करे एक स्टीरिक एसिड है 18 कार्बन एटम वाला, दूसरा 16 कार्बन एटम वाला है, परमेटिक एसिड कहते हैं, और ये नेक्स्ट अनसेचुरेटेड है जैसे ओलीक एसिड, इसके और इसके फार्मूले में अगर फर्क हो, यानी डिफरेंट फैटी एसिड्स, तो फिर इस ट्राइग्लाइसराइड को कहोगे मिक्स्ड ट्राइग्लाइसराइड। ये तो था ट्राइग्लाइसराइड के बारे में जो सिंपल लिपिड की एक किस्म है। ट्राइग्लाइसराइड ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के। किस अल्कोहल के? ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल के, वेक्स। ये वेक्स भी एस्टर है। आप फैटी एसिड एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइग्लाइसराइड में और वेक्स में क्या फर्क हुआ? इसमें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इन्वॉल्व होता है जबकि इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन्वॉल्व होता है। कंसिडर एन अल्कोहल विद 30 कार्बन एटम, 30 कार्बन एटम वाला एक अल्कोहल, एक कार्बन ये और 28 ये बने 29 और एक ये 30। एक OH ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ, लेकिन इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। अब इसे मैं कंडेंस करवा रहा हूं फैटी एसिड के साथ, तो रिएक्शन के दौरान अल्कोहल से H प्लस निकलेगा, फैटी एसिड से OH माइनस। तो यहां से H प्लस निकाले, यहां से OH माइनस। इससे बनेगा CH3, CH2, CH2, और ये ऑक्सीजन इसको इसके साथ मिलाए और ये जो एस्टर बना, इस एस्टर को कहेंगे वेक्स। ये तो था सिंपल लिपिड के बारे में। अब लिपिड की दूसरी किस्म है कंजुगेटेड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड।
कंजुगेटेड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड conjugated or complex सिंपल लिपिड को हमने यू डिफाइन किया था. सिंपल लिपिड उस लिपिड को कहते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे हमें दो प्रोडक्ट दे दे, एक फैटी एसिड दूसरा अल्कोहल. तो कॉम्प्लेक्स या कंजुगेटेड लिपिड वो लिपिड होगा जो हाइड्रोलिसिस पे हमें अल्कोहल भी दे दे, फैटी एसिड भी दे दे और साथ में और प्रोडक्ट भी दे दे. एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड लाइपोप्रोटीन सल्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड वो लिपिड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे फैटी एसिड अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट दे. हमारी बॉडी में इस ग्लाइकोलिपिड की कसरत होती है. ये कहां पे पाया जाता है? ब्रेन में और नर्व्स में. लाइपोप्रोटीन ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड और प्रोटीन के, और सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट जुज है. यानी ये हाइड्रोलिसिस पे फैटी एसिड देगा, अल्कोहल देगा, अमाइनो एसिड देगा, पेप्टोन्स देगा. पेप्टोन्स सल्फोलिपिड. सल्फोलिपिड उस लिपिड को कहते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे फैटी एसिड अल्कोहल और सल्फेट हमें. फॉस्फोलिपिड आल्सो कॉल्ड फॉस्फेटेड. ये कंजुगेटेड लिपिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड है. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखिए. ये मैं एक ट्राइग्लाइसराइड लिख रहा हूं, वही ये वाला ट्राइग्लाइसराइड लिख रहा हूं. ये एक सिंपल लिपिड है.
इसमें कितने फैटी एसिड हैं? एक, दो, तीन। अगर इस तीसरे फैटी एसिड की जगह पे आ जाए फास्फेट, कोली नाइट्रोजीनियस बेस है, इसे कहते हैं कोली। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लिपिड बना, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड कहलाएगा फास्फोलिपिड। इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फैटी एसिड ग्लाइसरोल फास्फेट और कोली। लिपिड की तीसरी किस्म है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स ये उन प्रोडक्ट को कहते हैं जो हमें सिंपल लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। इनकी एग्जांपल है अल्कोहल, हाई मॉलिक्यूलर वेट, फैटी एसिड्स, स्टीराइड्स, कैरोटीन्स एटसेट्रा। इनमें इंपॉर्टेंट है ये स्टीराइड और ये कैरोटीन्स। व्हाट आर स्टीराइड्स? स्टीराइड्स उन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें 17 कार्बन एटम वाला एक ग्रुप मौजूद हो, उस ग्रुप को कहते हैं पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फेनेंट्रीन। पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फेनेंट्रीन स्ट्रक्चर इसका है। यहां पे OH जबकि यहां पे डबल बॉन्ड। इन कार्बन एटम्स को अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल कार्बन एटम इसमें होंगे 17। जिस भी कंपाउंड में ये पर्टिकुलर ग्रुप या न्यूक्लियस मौजूद हो उसे स्टीराइड कहो। नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्टीराइड है कोलेस्ट्रॉल। नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्टीराइड है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बेहद अहम है। कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ प्रीकर्सर in the biosynthesis of 6 hormones
एड्रिनल हार्मोन्स एंड विटामिन डी। दूसरी किस्म है कैरोटीन्स। व्हाट आर कैरोटीन्स? व्हाट आर कैरोटीन्स? तो कैरोटीन्स भी डिराइव्ड लिपिड्स हैं। कैरोटीन्स भी डिराइव्ड लिपिड्स हैं। जिनमें 11 डबल बॉन्ड्स होते हैं। कंजुगेशन में इनमें ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड। ये कलर क्यों होते हैं? वजह ये है कि इनमें ढेर सारे पाए इलेक्ट्रॉन होते हैं और विजिबल लाइट उन पाए इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ एक्साइट कर सकते हैं। अगर एक सब्सटेंस में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कलर्ड होगा, और अगर किसी सब्सटेंस में टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो सब्सटेंस कलरलेस होगा। स्टेराइड के स्ट्रक्चर को यू ड्रा करना है ऐसे। ये एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आपने 11 डबल बॉन्ड्स यू ड्रा करवाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर ऐसे हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन लिखें। अगर आप इन डबल बॉन्ड को काउंट करोगे यू विल सी कि ये डबल बॉन्ड है 11 और ये खंज